नमस्कार, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम आज कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंदर द्विघात समीकरणों से संबंधित क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरणों की मानक रूप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर मैं द्विघात जो समीकरण होते हैं उनको परिभाषा के रूप में लिखूं तो हमें द्विघात समीकरण की क्या परिभाषा प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखिए कि ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात, अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात 2 ही होती है उसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप अगर इसको हम व्यक्त करना चाहे, लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका मानक रूप होता है। अगर इससे आधारित कोई भी समीकरण होता है तो उसे हमें द्विघात समीकरण कह सकते हैं या द्विघात समीकरण कहेंगे। अब इसके अंदर आपके a, b व c मान आ रहे हैं तथा x चर आ रहा है। तो इसके अंदर जो a, तो यहां पर जो इस मानक रूप का जो हमारे पास में समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखिए कि यहां x का मान अज्ञात होता है। x का जो मान होगा वो अज्ञात होगा, उसको हम हल करके ज्ञात करेंगे तथा a, b व c गुणांक होते हैं लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों कि अगर इसके स्थान पर अगर मैं a की जगह 0 प्रतिस्थापित करता हूं, रखता हूं, तो हमें x का मान क्या, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए कभी भी a का जो गुणांक है या a का जो x स्क्वायर का गुणांक है अर्थात a के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो याद रखना सबसे पहले कि द्विघात समीकरण किस प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरणों का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 रूप का होता है। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ समीकरण, द्विघात समीकरण आपके सामने लिख रखे हैं, ये सारे के सारे द्विघात समीकरण है। जैसा कि 5x² - 3x + 4 = 0, इसी प्रकार से 4x² + 5x + 2 = 0 तथा 3x² - 2x + 2 = 0। अब देखिए आपके सामने जैसा कि हमारे प्रश्नावली 3.3 के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर क्या है कि हमें कुछ समीकरण दे रखे हैं और उनमें हमें ये पूछा गया है कि क्या ये निम्न जो समीकरण है उनमें से कौन कौन से समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से उनको हल करना पड़ेगा और कैसे हम पता लगाएंगे कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने समीकरण लिख रखे हैं, उनमें से हमें पता लगाना है कि कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। जैसा कि अपना पहला जो समीकरण है वो है एक्स और कोष्ठक में x + 8 = 3x - 5। हमें यह पता लगाना है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। x जो है वो किसका गुणांक है, x + 8 का गुणांक है, अर्थात x को हम x + 8 से पहले गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, x को x से गुणा किया हमें x² प्राप्त हो गया तथा x को +8 से गुणा किया तो हमें +8x प्राप्त हो गया तथा बराबर में हमारे पास में क्या है 3x - 5। हम अब क्या करेंगे, जो हमारा ये पक्ष है इस पक्ष का पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स, इसका पक्षांतरण करेंगे। जैसा कि हमें पूर्व कक्षाओं में पता है, जब भी हम पक्षांतरण करते हैं तो उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, तो जो प्लस का चिन्ह होगा वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में आ जाएगा। तो तीन एक्स प्लस के हैं तो इधर पक्षांतरित हुए, तो तीन एक्स माइनस के हो गए, तथा पांच है वो माइनस का है तो इधर पक्षांतरित हुआ, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, प्लस का पांच प्राप्त हो गया। अब देखिए कि इधर कोई भी पद नहीं रहा, इसलिए बराबर में हमने क्या लगा दिया जी, हम वापस देखिए इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर आठ एक्स प्लस के हैं तथा तीन एक्स माइनस के हैं, तो आठ प्लस के और तीन माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या प्राप्त होगा, आठ में से तीन एक्स घटे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस के पांच एक्स और प्लस के पांच बराबर जीरो। अब हमने पहले पढ़ रखा था कि कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। अब इसे तुलना कीजिए, क्या हमारे पास में जो समीकरण प्राप्त हुआ वो मानक रूप में प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पे प्राप्त हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो यहां पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x का गुणांक 5 है और यहां अचर पद भी हमारे पास में 5 है। तो इस प्रकार से ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण के मानक रूप पर आधारित है, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब यह है कि पहले जो भी हमारे को समीकरण दे रखे हैं उनको हल कर लीजिए, हल करने के पश्चात अगर हमें जो मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, अगर इस रूप का हमें प्राप्त होता है तब तो वो द्विघात समीकरण है, और इस रूप का अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। चलिए अगले वाला हल करके देखते हैं अपन कि दिया गया जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं। तो देखिए आपके सामने दो नंबर जो समीकरण आपके सामने दे रखा है, दो एक्स स्क्वायर प्लस दो बराबर एक्स प्लस दो तथा गुणा में एक्स माइनस, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखिए, इधर वाले को हल करने की आवश्यकता नहीं है, दो एक्स स्क्वायर प्लस दो। अब देखिए इधर हमें इस समीकरण को हल करना है, एक्स प्लस दो किसके गुणा में x माइनस देने के गुणा में, और इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, तो प्रत्येक पद को अगले वाले प्रत्येक पद से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले मैं x को गुणा करने जा रहा हूं x से, तो x को x से गुणा किया मुझे प्राप्त हुआ x स्क्वायर, x को माइनस के तीन से गुणा किया माइनस का 3x। अब देखिए दो को x से गुणा करूंगा तो प्लस का 2x तथा प्लस के दो को माइनस के तीन से गुणा करूंगा तो माइनस का 6 प्राप्त होगा। आगे हल कीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर x स्क्वायर, माइनस का 3x है और प्लस के 2x है तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो बड़ा जो पद है वो माइनस है इसलिए माइनस का क्यों रहेगा, माइनस 3 में से 2 घटेगा तो एक x बचेगा और माइनस का 6। अब इस पूरे के पूरे जो पक्ष है उसका मैं पक्षांतरण करने जा रहा हूं, तो पक्षांतरण करने में क्या प्राप्त होगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2। मैंने बोला था अगर पक्षांतरण जब किया जाता है तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, x स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, x माइनस का था प्लस का हो गया तथा 6 माइनस का था प्लस का हो गया, और इधर कोई भी पद नहीं बचा इसलिए बराबर में क्या लग गया, 0 लग गया। हल कीजिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा तो क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर। अब देखिए आपके पास में क्या है, x एक ही है तो प्लस का x और इधर प्लस का 2 है तथा प्लस की 6, तो 2 और 6 क्या प्राप्त हो गए, 8 बराबर में क्या आएगा, 0। अब देखिए तुलना कीजिए कि दिया गया जो समीकरण है वो मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0
के रूप का है या नहीं। तो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आठ, जो कि मानक जो रूप है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रूप का है, अतः यह भी क्या है एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये? द्विघात समीकरण है। तो समझ में आया होगा आपको कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। एक और उदाहरण से देखते हैं कि दिए गया जो समीकरण तीन नंबर का जो हमने समीकरण लिख रखा है क्या वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हल करके देखते हैं। तो देखिए तीन नंबर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर गुणा में एक्स प्लस दो और बराबर एक्स एक्स गुणा में है एक्स माइनस तीन। तो सबसे पहले हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को अब मैं गुणा करूंगा एक्स से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा मेरे पास में एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करूंगा? प्लस के दो से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? प्लस का दो एक्स स्क्वायर बराबर। इधर देखिए एक्स को एक्स से गुणा करूंगा क्या प्राप्त हुआ? एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा तथा एक्स को माइनस के तीन से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का तीन एक्स। अब इस पद पूरा का पूरा जो पक्ष है उसका मैं इधर पक्षांतरण करने जा रहा हूं तो क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर था पक्षांतरण के समय माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया तथा माइनस का तीन एक्स था प्लस का तीन एक्स और इधर कुछ भी नहीं रहा इसलिए बराबर में क्या रहा? जीरो। अब हल कीजिए एक्स क्यूब दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या प्राप्त होगा मेरे को? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या प्राप्त होगा? तीन एक्स बराबर जीरो। अब देखिए जो हमारा समीकरण है वो व्यापक जो मानक समीकरण है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो क्या इस रूप का है क्या? हमने पहले पढ़ा था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसकी अधिकतम घात दो ही हो सकती है, परंतु यहां अधिकतम घात हमें कितनी प्राप्त हो रही है? तीन प्राप्त हो रही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से अपन जो 3.3 जो प्रश्नावली है उसमें जो पहला प्रश्न कि दिए गए समीकरण को में से कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इस प्रकार से हम हल करके द्विघात समीकरणों के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन से द्विघात समीकरण है या कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग सभी 3.3 प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है उसको हल करिए और पता लगाइए कौन कौन से इसमें से द्विघात समीकरण है तथा कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। धन्यवाद।